योगी सरकार के अब दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि सत्ता पर आसीन होने के पहले योगी ने महिला सुरक्षा के लाख दावे किए थे, वो अब पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। इसका उदाहरण सूबे के फतेहपुर में देखने को मिला, जहां गैंग रेप की पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलने पर दर दर भटकने को वो मजबूर है, क्योंकि पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये हम नहीं, इस पीड़ित महिला के दर्द भरे आंसू बयां कर रहे हैं। मामला फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव का है। वही जब पीड़ित ने इस मामले को लेकर एसपी से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई, तो एसपी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। महिला है जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके साथ उन्हीं के गांव के एक पूर्व प्रधान है, उन्होंने बलात्कार किया है। इस संबंध में जांच की गई है, अभी तक ऐसे कोई आरोप नहीं मिल पाए हैं, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं जो उस बात की पुष्टि करें। फिर भी अभी जाँच चल रही है और जैसे ही ये प्रमाणित हो जाता है कि ऐसी कोई घटना हुई है, तत्काल अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर जहां एसपी ने खुद संज्ञान लेकर सख्ती से जांच का भरोसा दिया है, उसे कहीं न कहीं पीड़िता के मन में इंसाफ की उम्मीद की ललक एक बार फिर से जग उठी। अब देखना यह होगा कि मामले को लेकर पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंच पाती है। फतेहपुर से टीवी 100 के लिए मुमताज इसरार की रिपोर्ट।